रतलाम जिले के युवाओं ने किया 1,21,000 दीपकों से किया दीप यज्ञ का महाआयोजन। 15 दिन की सुनियोजित तैयारी ने रतलाम का नाम विश्व पटल पर रखा। यह हमारी पुरातन संस्कृति का भी अंग है। इसी संस्कृति के तहत दीप यज्ञ का आयोजन शुभ अवसर पर शुभ कार्य के लिए किया जाता है। कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की नगर विकास प्रस्फुटन समिति रतलाम के तत्वावधान में किया गया। नगर विकास प्रस्फुटन समिति द्वारा रतलाम जिले के प्रमुख स्वयंसेवी संगठनों ने, धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने, रतलाम शहर की युवा शक्ति ने मातृ शक्ति को पंजीयन कर जोड़ा गया था। इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बना कालिका माता का दरबार। झाली तालाब पर 1,21,000 दीपकों को साथ साथ सभी जाति धर्मियों को व्यक्तियों ने प्रज्वलित करवाकर दीप यज्ञ के माध्यम से भारत की गौरवशाली इतिहास जिसमें समाया अनेकता में एकता, विविधता से युक्त समृद्धशाली परंपरा का उपस्थित विभिन्न धर्माचार्यों ने पुनस्मरण दिलवाया। एकात्मता से सामाजिक समरसता व सद्भाव को पोषित करने हेतु गायत्री परिवार की वैदिक प्रीति से दीप यज्ञ का महाआयोजन किया गया। शहर के हजारों युवाओं जनसामान्य के बीच 36 अलग अलग समाजों के समाज प्रमुखों ने इस दीप यज्ञ में अपनी आहुति दी। कार्यक्रम में अनूठी परंपरा का पालन करते हुए सभी समाज प्रमुखों को सहसन्मान, उन्हें झाली तालाब के हथनियों पर ऊपर बने 16 अलग अलग चबूतरों पर खड़े होकर दीप यज्ञ व वैदिक मंत्रों आदि गुरु शंकर द्वारा रचित नर्मदाष्टक के गान तथा साथ साथ 108 दीप माला से माँ भारती की आरती कर जो जहाँ खड़े है वहीं पर से आराधना की गई। यह प्रयास कई मायनों में रतलाम के सभी जाति धर्म वर्ण के भेदभाव को भुलाकर सभी को एक सूत्र में बांधेगा। रतलाम की जनता ने यथासंभव तन मन धन से सहयोग कर इस कार्यक्रम को विराट स्वरूप से प्रदान किया। रतलाम के युवाओं के नाम बनने वाले विश्व रिकॉर्ड की साक्षी बनी रतलाम की जनता। संवाददाता रिपीट, संवाददाता जाकिर कुरैशी, मध्य प्रदेश, आपका न्यूज़।